नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना कोविड 19 संक्रमण के साथ प्रदेश में बंद हुए शिक्षा के मंदिर सोमवार 308 दिन बाद फिर से आबाद हुए। कोरोना गाइडलाइन एवं एसओपी की पालना के साथ खुले विद्यालयों में सोमवार को विद्यार्थियों तथा घंटी की आवाज ने मिठास घोल दी। लंबे समय से बंद पड़े कक्षों में बच्चों की आवाज मानो मन को आनंदित कर रही थी। सोमवार को स्कूल को खुले, लेकिन आधे ही विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। शेष विद्यार्थी अगले दिन मंगलवार को स्कूल पहुंचेंगे। गाइडलाइन की पालना के चलते स्कूलों में सामूहिक प्रार्थना सभाओं का आयोजन नहीं किया गया। विद्यार्थी सीधे ही अपने अपने कक्षों में पहुंचे। सोमवार को विद्यालय खुलने तथा विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने के दौरान स्कूलों के संस्था प्रधानों तथा शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विद्यार्थियों के मास्क लगाना अनिवार्य था। बिना मास्क वाले विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। साथ ही परिजनों की सहमति के आधार पर ही स्कूलों में प्रवेश दिया गया। स्कूल पहुंचे बच्चों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूल प्रशासन की ओर से की गई। सोमवार से विद्यालय स्तर पर कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाया गया। शेष विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। स्कूल समय में एसओपी एवं हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई है। वहीं विद्यार्थियों को कक्षों में सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाया गया। अध्ययन के दौरान विद्यार्थी एक दूसरे की किताबें, नोटबुक तथा अन्य किसी भी प्रकार की स्टेशनरी शेयर नहीं कर पाएंगे। उधर शिक्षा विभाग ने इसके साथ ही विभाग की ओर से छुट्टियों को देखते हुए पाठ्यक्रम में कमी की गई है। संभवतः अब छुट्टियां अधिक होने से इसमें और अधिक कटौती की जाए। राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के निर्देशों की पालना में आज राजस्थान के समस्त 9 से 12 तक के राजकीय और निजी विद्यालयों को प्रारंभ किया गया। विद्यालय को काफ़ी लंबे अर्से के बाद जब खोला गया तो काफ़ी बच्चों में और स्टाफ के शिक्षकों में उत्साह देखा गया और बड़े ही उमंग के साथ आज विद्यालय का पहला दिन खुला। और इसके साथ ही इस बात की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि ये संक्रमण किसी रूप में एक दूसरे को नहीं फैले। पटेल स्कूल में विद्यार्थियों का शिक्षण नियमित रूप से प्रारंभ किया गया। इसकी पूर्व तैयारी के हेतु राज्य सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की थी। उसकी अनुपालना में सभी कक्षाओं में 50% क्षमता की सीटिंग की गई है। साथ ही सभी कक्षों को सैनिटाइज कराया गया है और एक ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन लगाई गई है, जहां बच्चे प्रवेश के समय ही सैनिटाइज करेंगे हाथों को। सभी बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर किसी बच्चे के पास मास्क नहीं है तो विद्यालय उनको उपलब्ध करा रही है। साथ ही सभी कक्षाओं के बाहर डस्टबिन की व्यवस्था है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर की ओर से सोमवार को लंबे समय बाद विद्यालय खुलने के उपलक्ष्य में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन नायाब तरीके से किया गया। इस दौरान शिक्षक संघ पदाधिकारियों की ओर से विद्यालय के मेन गेट से लेकर कक्षा कक्ष तक फूलों की चादर बिछाई। इन फूलों पर चलकर ही विद्यार्थी कक्षा कक्षों में पहुंचे। इस दौरान शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। संघ की ओर से मेन गेट पर विद्यार्थियों के स्वागत के लिए स्वागत बैनर भी लगाया गया। इस दौरान के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी, विभाग संगठन मंत्री गुरुशरण गुरिया, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति, मंत्री मुकेश प्रजापति, जिला कोषाध्यक्ष विष्णु गोयल, जिला महिला मंत्री गीता सोलंकी, जिला संगठन मंत्री महिला शर्मिला त्रिपाठी, संरक्षक रामनारायण तर्क, प्रदेश प्रतिनिधि धीरज तर्क, प्रधानाचार्य राजेश जिंदल, प्राध्यापक नरेंद्र गहलोत, लक्ष्मण राम प्रजापति, कंचन परिहार, खेमराज कटारे तथा महेंद्र पाल वर्मा सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। मालूम हो कि संगठन हमेशा शिक्षक, छात्र व समाज हित में कार्य करता रहता है। इसी के तहत आज छात्रों का अभिनंदन और स्वागत किया गया। राष्ट्रीय ने ब्यावर राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में छात्रों के प्रवेश पर पुष्प बिछाकर और पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया। वास्तव में लगातार 10 महीने बाद छात्र विद्यालय में प्रवेश किया है। राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय उनका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है कि छात्र भी एक कोरोना योद्धा के रूप में काम किया कि 10 महीने तक लगातार बेसब्री से इंतजार करते रहे कि हमारा विद्यालय कब खुले। हम सब मिलकर ब्यावर के जो शिक्षक हैं वो सभी विद्यालय के छात्रों का अभिनंदन करते हैं कि इस प्रकार आप प्रवेश लेकर अपना अध्ययन जारी रखें और अपना भविष्य बनाए।
जालौर जिले के महेशपुरा गांव के समीप शनिवार रात्रि में हुई हृदय विदारक घटना की खबर ब्यावर में आग की तरह फैल गई। पूरे शहर सहित जैन समाज में शोक की लहर छा गई। हर कोई होनी को कोस रहा था। हर आग जैन परिवार के गम में नम थी। जैसे ही तीनों मृतकों की पार्थिव देह उनके निवास पर पहुंची, चारों ओर करुण कर्णधर मच गया। मृतक सुरभि पत्नी अंकित जैन कोठारी का पार्थिव देह मेवाड़ी गेट उनके निवास पर लाया गया, जहाँ सामाजिक रीति रिवाज के बाद हिंदू सेवा मंडल के सूरजपुर गेट बाहर स्थित मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद सुराणा नगर में चांद देवी पत्नी गजराज जैन तथा उसकी पुत्री सोनल जैन पत्नी अनिल जैन की पार्थिव देह पहुंची। इसके साथ ही घायल भी ब्यावर पहुंच गए। जैसे ही दोनों का पार्थिव देह पहुंची, पूरे परिवार में क्रोध क्रंदन मच गया। गमीमन माहौल के बीच मां बेटी के पार्थिव देह को मुक्ति धाम के लिए एक साथ रवाना किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहर में हर कोई इस हृदय विदारक घटना को लेकर स्तब्ध हो गया। मामले की जानकारी रात्रि में ही पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। घटना में मृतक एवं घायल ब्यावर के अधिक होने के कारण स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, कोविड प्रभारी शलभ टंडन सहित अन्य अधिकारियों ने घटना को लेकर संबंधित जिला एवं स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और लगातार नजर बनाए रखी। इसके साथ ही जानकारी के लिए एसडीएम कार्यालय का नंबर भी जारी किया गया, जिससे लोग आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। इसी दौरान हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई मोनिका पुत्री राजेंद्र कोठारी भी ब्यावर लाया गया। मालूम हो कि जैन समाज ब्यावर का एक संघ गत दिनों नाकुड़ा सहित अन्य जैन धार्मिक स्थानों की यात्रा पर ब्यावर से दो बसों में सवार होकर निकला था। दो बसों में सवार श्रद्धालुगण जब अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण कर वापस ब्यावर की ओर लौट रहे थे, इस दौरान जालौर मांडली के महेशपुरा गांव में एक बस में विद्युत लाइन का तार बस के छू जाने से बस में करंट दौड़ गया और बस ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते बस में भीषण आग के लपटे उठने लगी। हादसे में ब्यावर निवासी तीन महिला सोनल जैन, सुरभि कोठारी तथा चांद देवी की मौत हो गई। घटना देर रात को घटित हुई। जो ही घटना की जानकारी ब्यावर जैन समाज को लगी तो सकल जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई। जालौर के महेशपुरा में घटित बस हादसे में शहर की तीन महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। वही हादसे में कई लोग घायल भी हुए। घायलों में तेलियांचौक पर श्रीश्रीमाल गली निवासी निधि श्रीश्रीमाल भी शामिल थी। रविवार को ब्यावर आने के बाद जेएसआई की टीम ने उसने हादसे के बारे में जानकारी ली। इस दौरान निधि ने बताया कि हादसे का आंखों देखा हाल। निधि ने बताया कि बस में हर तरफ करंट दौड़ रहा था। अपना और अपनों का जीवन संकट में देखा तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस के पीछे की ओर से धुआं निकला तो आपस अंताक्षरी खेल रहे बच्चे दौड़कर आगे की ओर आए। इस दौरान बुजुर्गों को बस से उतारा। बस की खिड़की एवं दरवाजे में भी करंट दौड़ रहा था। बस में तेज करंट प्रभावित हो रहा था। जहां भी हाथ लगाए वहां ही करंट आ रहा था। जो खिड़की से कूदे वो भी करंट की चपेट में आ गए। निधि श्रीश्रीमाल ने बताया कि वो भी खिड़की से कूदी, इससे हाथ एवं पैर झुलस गए। बाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचे एवं घायलों की सहायता की। निधि के अनुसार हादसे में घायल हेमा भी इस हादसे से बुरी तरह घबराई है। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उसे तत्काल प्रयास कर खींच कर बस से बाहर निकाला, जिससे उनका बचाव हो गया। हेमा जोधपुर अस्पताल में उपचारत है। प्रत्यक्षदर्शी घायलों ने बताया कि हादसा बहुत हृदय विदारक था। इस दौरान घायल व अन्य लोग अपना सामान ही भूल गए। पहले घायलों का उपचार करवाया एवं अपने सामान को भी भूल गए। तो पीछे हमारे बस के पीछे ईंटों से भरा ट्रक खड़ा था, उसमें जाके अड़ गई और वो ट्रक सटा के खंभे के खड़ा था। तो खंभे का तार थोड़ा सा ढीला हुआ। जैसे हमारी बस आगे हुई तो खंभे का तार हमारी बस पे अड़ गया। अड़ने से वो थोड़ी अर्थिंग हुई उस टाइम, पर शॉर्ट सर्किट हुआ था तो बिजली रुक गई थी एक दो मिनट के लिए। तो हड़कंप मच गया था क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आग पकड़ ली थी थोड़ी सी। पर फिर ड्राइवर बोला कि सही हो जाएगा। वो बस आगे लेने लगा तो वो तार टूट के बस के टायर में जाके चिपक गया। टायर में चिपकते टायर फट गया। टायर फटते पीछे डिक्की में जो सामान रखा था उसमें आग पकड़ ली, क्योंकि डीजल की टंकी भी थी तो उसमें भी धीरे धीरे आग पहुंचने लग गई। और जैसे ही धुआं उठा तो सब पीछे जो बच्चे सवारियां बैठे थे, हमारे रिश्तेदार वगैरह जो भी थे, वो सब बोलने लग गए कि आग लग गई। तो सब हम आगे से भागना शुरू करा। तो अब कुछ जो मेन द्वार है वहाँ से कूदे, कुछ ड्राइवर साइड से कूदे। और हम लोग ने जब देखा कि ड्राइवर साइड और दोनों साइड में भीड़ हो रही है तो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद गए। यह हादसा लगभग रात 10:30 के आसपास का है। फिर गांव वालों ने आके हमारी मदद करना शुरू कर दी। जब वो जो तार टूट के जो हमारे उस पर चिपका था वो 11,000 वोल्ट का तार था, तो पूरी बस में इतना तेज करंट दौड़ रहा था कि हम
खुद को अगर बस में गलती से छू भी ले तो करंट इतना तेज हमको वापस झटके मार रहा था कि हम बच नहीं सकते थे। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा ब्यावर की ओर से सोमवार को डिगी मोहल्ला स्थित केंद्र पर परमपिता ब्रह्मा बाबा की 52वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान केंद्र पर आयोजित सादे समारोह में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने ब्रह्मा बाबा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी की ओर से सभापति का माला पहनाकर साफा पहनाते हुए स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बीके रमेश भाई, अशोक मुद्रा, रमेश साहू, श्याम भाई, पंचम भाई, अशोक कुमार, गोपाल तथा कैलाश आदि उपस्थित थे। अजमेर जिले के नवनियुक्त जिला पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा सोमवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिटी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। सोमवार दोपहर बाद सिटी थाने पहुंचे एसपी शर्मा को डिप्टी हलाल सिंह तथा थानाधिकारी संजय शर्मा ने अगवानी की। इस दौरान एसपी शर्मा ने सिटी थाने का वार्षिक निरीक्षण करते हुए पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्वागत कक्ष, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, अनुसंधान अधिकारी कक्ष के साथ साथ बैरकों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी शर्मा ने थाने की सभी व्यवस्था को चाक चौबंद बताते हुए संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि पुलिस को काम आमजन की मदद करते हुए शहर में अपराधों को कम करना तथा आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इस दौरान पुलिस का रवैया आमजन के साथ एकदम दोस्त जैसा होना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए आमजन से की जाने वाली बातचीत के दौरान पुलिस की कार्यशैली प्रभावी होनी चाहिए। इस दौरान एसपी शर्मा ने आचार संहिता के बारे में जानकारी ली। जानकारी मिली है कि इस दौरान काफी पुलिसकर्मी आचार संहिता के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। इस पर एसपी ने पुलिसकर्मियों को भविष्य में आचार संहिता के बारे में पूर्ण जानकारी रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सिटी थाने के पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस दौरान पुलिस मित्रों की ओर से एसपी शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान पुलिस कप्तान ने उपस्थित पुलिस मित्रों से इसी प्रकार मित्रता रखने की बात कही। स्वागत करने वालों में सतीश गर्ग, राजेंद्र सोनी, ऋषि लांबा सहित अन्य पुलिस मित्र शामिल थे। सिटी थाना पुलिस ने 15 जनवरी को टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर के सामने स्थित झाड़ियों में हुए रमेश पुत्र घनश्याम दास सिंधी हत्याकांड का सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग रमेश सिंधी के पास एक महंगा मोबाइल ही उसकी हत्या का कारण बना। आरोपी युवक अपनी गर्लफ्रेंड को महंगा मोबाइल गिफ्ट करना चाह रहा था और उसी मोबाइल के लिए उसने बुजुर्ग रमेश सिंधी की हत्या कर दी। गिरफ्तार आरोपी सदर थाना क्षेत्र के डोसला गांव निवासी दीपक पुत्र लालचंद प्रजापति है। हत्याकांड का खुलासा सोमवार को सिटी थाने का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे जिला पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा ने किया। वार्षिक निरीक्षण के पश्चात मीडिया कर्मियों को हत्याकांड की जानकारी देते हुए एसपी शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी को घटित हत्याकांड का मुख्य कारण मृतक के पास महंगा मोबाइल फोन होना तथा मृतक द्वारा आरोपी को उसी महिला मित्र से मिलवाने के लिए तंग करना रहा। एसपी शर्मा के अनुसार मृतक बुजुर्ग तथा आरोपी दीपक श्री हॉस्पिटल के पास एक चाय की थड़ी पर बैठते थे। इस दौरान दोनों में बातचीत होती रहती थी। बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। आरोपी ने बताया कि बातचीत के दौरान मृतक उसे अपनी महिला मित्र से मिलवाने की बात करता था। आरोपी के अनुसार मृतक रात्रि के समय व्हाट्सएप पर कॉल करके भी इसी काम के लिए परेशान करता था। इस बात से आरोपी को चिढ़ थी। इस दौरान दीपक ने मृतक के पास महंगा मोबाइल देखा तो उसके दिमाग में आया कि क्यों नहीं यह मोबाइल अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दिया जाए। इसी बात को लेकर दीपक रमेश सिंधी से यह मोबाइल लेने की जुगत में लग गया और इस दौरान उसने रमेश सिंधी की मौत को घाट उतारने की साजिश रची। आरोपी ने बताया कि 14 जनवरी शाम को वह मृतक से मिला तथा उसे कहा कि आज उसे किसी लड़की से मिलवाता हूं। इस पर मृतक आरोपी के साथ बाइक पर सवार होकर आशापुरा माता मंदिर के सामने स्थित रास्ते पर चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद आरोपी दीपक ने मृतक को बाइक से नीचे उतारकर पास ही में स्थित झाड़ियों के पास एक लड़की के होने की बात कहते हुए उसे पैदल लेकर ही रवाना हुआ। थोड़ी सी दूर चलने के बाद ही आरोपी ने मृतक के सिर पर उसकी लकड़ी से वार कर दिया जिसके चलते वह निडाल होकर गिर गया। इस दौरान आरोपी ने मृतक के सिर पर पास ही में पड़े पत्थर से कई बार वार किए लेकिन इस दौरान उसके छिटपटाने के कारण आरोपी ने पास ही में पड़े एक कांच के टुकड़े से बाएं हाथ की कलाई को काट दिया। इसके बाद आरोपी दीपक ने मृतक की जेब से मोबाइल निकालकर उसकी सिम तथा कवर को फेंक दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के दौरान आरोपी के कपड़ों तथा जूतों पर खून लग गया जिसे उसने पास ही में स्थित एक पानी के खड्डे में भरे पानी से साफ भी किया। हत्याकांड के बाद डिप्टी हलाल सैनी के निर्देशन में गठित टीम के सदस्यों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को देखते हुए संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद दल के सदस्यों ने आरोपी के डोसला स्थित घर पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया तथा घर से मोबाइल भी बरामद किया। इस दौरान आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। पुलिस टीम में थानाधिकारी संजय शर्मा, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल नंद किशोर जगमोहन, कांस्टेबल भगवान भवानी, राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार महेश तथा देशराज आदि शामिल थे। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी लाल सैनी तथा थानाधिकारी संजय शर्मा तथा टीम के सदस्य उपस्थित थे।
वाली ब्यावर पर इतना प्राप्त हुई कि आशा माता मंदिर के पास खाली जगह पर एक अधेड़ व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस इतला पर थाना अधिकारी मैं टीम के मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति की लाश को पहचानने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति की पहचान श्री रमेश कुमार पुत्र श्री घनश्याम दास उम्र 52 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड साकेत नगर ब्यावर के रूप में हुई। उस व्यक्ति का सिर पत्थर से कुचला हुआ था और साफ तौर पर जाहिर हो रहा था किसी ने इसको मार करके यहाँ पटका है। सीओ ब्यावर हीरालाल सैनी प्रोबेशनर और हमारे कोतवाल संजय शर्मा के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम ने सक्रिय होकर के सबसे पहले जहां डेड बॉडी मिली वहां तक पहुंचने आने जाने के रास्तों को खंगाला और जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें फुटेज देखे तो घटना से एक दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में मृतक किसी एक लड़के के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया। वहीं से तफ्तीश की शुरुआत हुई, उस व्यक्ति की पहचान की गई और वो व्यक्ति दीपक प्रजापत पुत्र लालचंद प्रजापत उम्र 19 साल निवासी ग्राम ढोसला पुलिस थाना ब्यावर सदर के रूप में उसकी पहचान हुई। पूछताछ के लिए उसको थाने लाया गया। उसकी मनोवैज्ञानिक रूप से तो उसने वारदात करना कबूल किया और ये बताया कि पिछले 2-3 महीने से इस मृतक से मेरी दोस्ती हुई जिसके पास एक महंगा एंड्रॉइड फोन था, मोबाइल फोन था। जो आरोपी है उसका किसी लड़की से अफेयर था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के नाम पर उस व्यक्ति जो मृतक था उसने इससे दोस्ती गांठी और इस आरोपी की नजर उसके मोबाइल पर थी। इस दोस्ती को परवान बढ़ाया, मृतक का उद्देश्य कुछ और था, वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था। आरोपी के दिमाग में कुछ और चल रहा था कि इसका महंगा मोबाइल फोन लेकर के मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करूं, जैसा कि पूछताछ में सामने आया है। बस इसी बात को लेकर के एक दिन मृतक ने कहा कि मुझे आपकी गर्लफ्रेंड से मिलवाइए। आरोपी उसको घटनास्थल के आसपास ले गया, काफी दूर पैदल ले गया। जब वो थक गया तो उस पर वार किया छड़ी से, उसके बाद पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उसके बाएं हाथ की नसें भी काट दी ताकि उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाए। और मृत्यु होने के बाद फिर वहां से आरोपी भाग गया और उसका जो मोबाइल था वो भी अपने साथ में ले गया। ये सारी वारदात उसने कबूल करी, कबूल करने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से आगामी 1 माह तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह का सोमवार को शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के मौके पर विभाग की ओर से डीटीओ ऑफिस में एक प्रदर्शनी लगाई गई और चौपहिया वाहनों की एक रैली भी निकाली गई। सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के मौके पर डीटीओ ऑफिस में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन एसडीएम श्वेता चौहान ने किया। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में विभाग की ओर सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से दर्शाया गया। यहाँ पर एसडीएम ने वाहन चालकों, वाहन मालिकों, डीटीओ से संबंधित कार्य करने वालों तथा ड्राइविंग स्कूल के चालक प्रशिक्षकों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। इसके बाद डीटीओ कार्यालय से एक चौपहिया वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली को एसडीएम चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली परिवहन कार्यालय से सेदरिया, विजयनगर रोड, मेगा रोड, बगत चौराहा, चांगेट होते हुए चंद्रा रोड पर संपन्न हुई। रैली में शामिल वाहन चालक बैनरों तथा पोस्टरों से आमजन को सड़क सुरक्षा के बारे में प्रेरित कर रहे थे। महाशुभारंभ के मौके पर ट्रैक्टर तथा बैलगाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। डीटीओ प्रकाश चंद्र टहलियान ने बताया कि माह के तहत आगामी 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के मौके पर परिवहन निरीक्षक अतुल कटिया, अनिल कुमार, गणपत सिंह रावत, कार्यालय से सहायक प्रोग्रामर ब्रजेंद्र सिंह, नवरतन जांघीर, प्रीतम सेन, वरिष्ठ सहायक ओम प्रकाश मीणा, कनिष्ठ सहायक राजू सिंह तथा मनोज कुमार आदि उपस्थित थे। आपने बढ़ा हुआ जालोर में बस एक्सीडेंट हुआ जिसमें सिर्फ हल्की सी परिचालक जो है उसकी गलती थी, अगर वो समय रहते पुलिस को इन्फॉर्म कर देते या किसी ग्रामीणों की मदद ले लेते तो शायद जो बस के हादसे में 6 जनों की जान गई है वो नहीं जाती। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ है, अगर हम मान लीजिए भूल मान लीजिए किसी तरह की हो जाती है और उससे इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, वो रोकने का एक प्रयास है जिसमें हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं कि आप जो है रोड के नियमों का पालन करें। अब सबसे बड़ी बात है जैसे वो रास्ता भटक गए और इस तरह का दुर्घटना हुई। अभी 2-3 दिन पहले एक और दुर्घटना हुई जिसमें 5 आदमी ऑन द स्पॉट मर गए,
ओवरटेकिंग में, तो स्पीड अगेन बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो इस सप्ताह में हम लोग जो है ना पहले तो जागृत करेंगे, उसके बाद लोगों को समझाइश करेंगे और तीसरे हफ्ते में हम लोग चालान करेंगे। प्रदेश के भरतपुर जिले के रूपावास चक में गत दिनों घटित शराब दुखांतिका के बाद स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद जवाजा क्षेत्र में रविवार को तहसीलदार ब्यावर जवाजा थाना पुलिस एवं आबकारी पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए शराब के खिलाफ कार्यवाही की, जहाँ जंगलों में चार भट्टियां सुलगती मिली, वहीं मौके पर बना 800 लीटर वोश भी नष्ट किया गया। मामले में कार्यवाही की भनक लगते ही आरोपी जंगलों में भाग छूटे। आबकारी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार भरतपुर शराब दुखांतिका के बाद रविवार को तहसीलदार ब्यावर प्रदीप कुमार मालवीय ने नेतृत्व में जवाजा क्षेत्र के शेरों का बाला गांव के जंगल एवं तालाब के क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां मौके पर चार जगह भट्टियां सुलगती मिली और वॉश का निर्माण किया जा रहा था। तालाब के पानी में तलाशी के दौरान अवैध हथकड़ शराब से भरे ड्रम मिले हैं। पुलिस ने मौके पर ही करीब 800 लीटर वॉश को बहाकर नष्ट किया है, साथ ही भट्टियों को भी तोड़ा है, लेकिन कार्यवाही की भनक लगते ही आरोपी जंगलों में भाग छूटे, जिनकी तलाश की गई लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। कार्यवाही के दौरान जवाजा थाना प्रभारी महावीर मीणा, आबकारी थाना प्रभारी हरस्वरूप सिंह मैं टीम के मौके पर मौजूद रहे। आबकारी थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि कार्यवाही आगामी 30 जनवरी तक जारी रहेगी। अयोध्या में निर्मित होने जा रहे प्रभु श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण के सुअवसर पर नगर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक भव्य और ऐतिहासिक विशाल श्री राम रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रथ यात्रा का शुभारंभ ब्यावर रामद्वारा के प्रमुख और रामस्नेही संप्रदाय के प्रमुख संत पूज्य श्री केवल राम जी महाराज द्वारा किया गया। क्षेत्र के मंडल प्रमुख सीए शशांक बंसल ने बताया कि कार्यक्रम के निमित्त सामुदायिक भवन टेम्पो स्टैंड हाउसिंग बोर्ड से दोपहर 3:30 बजे पूज्य संत केवल राम ने भगवा पताका से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आशापुरा माता धाम के उपासक पंडित दामोदर द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कर सभी भक्तगणों का तिलक से स्वागत किया। इस रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में नगरवासी सम्मिलित हुए। शुभारंभ से पूर्व कार्यक्रम स्थल हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर हिमलता, धनेश्वरी, विशाखा और पूजा दीदियों ने एक आकर्षक रंगोली सजाई। मंडल के अन्य कार्यकर्ता हिमांशु अवस्थी ने बताया कि हम सब की आराध्य प्रभु श्री राम जी का बड़ा सा चित्र एक रथ रूपी सवारी में रखकर उसे हाउसिंग बोर्ड के निर्धारित सभी क्षेत्रों में भ्रमण कराकर सवारी निकाली गई। सवारी का जगह जगह सभी क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा से स्वागत कर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। रथयात्रा क्षेत्र के निर्धारित मार्गों से होते हुए सेक्टर 3 के शिव मंदिर गरबा चौक पर पहुंचकर और विस्तृत हो गई। वहां खुले मैदान में प्रभु श्री राम की महाआरती कर श्री राम स्तुति का श्रवण हुआ। अंत में प्रसाद वितरित कर रथयात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में वानर सेना के रूप में बच्चों की टोली भगवा पताका लेकर चल रही थी। सवारी के पीछे सुरम्य भजन गीत और नाचते गाते हुए मातृशक्ति का समूह जोड़ा, जो ढोल मंजीरों के साथ भक्ति भाव की सुरसरिता बहाते हुए चल रही थी। क्षेत्र के मंडल प्रमुख सीए शशांक बंसल ने आगे बताया कि इस रथ यात्रा से अयोध्या में बनने जा रहे भव्य और दिव्य श्री राम के मंदिर निर्माण के निमित्त होने जा रहे निधि संग्रह के लिए जन जागरण का कार्य किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र राममय हो गया। क्षेत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम भक्त हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। मंडल के अन्य कार्यकर्ता प्रकाश सोनी ने बताया कि इस रथ यात्रा में जिला परिषद सदस्य राजेंद्र बागरी, पूर्व पार्षद भूपेंद्र तोमर, कमल सैनी, आकाश सोनी, एडवोकेट नरेंद्र सिंह, यशवर्धन शर्मा, कार्तिक कुमार, जयेश पारी, गौरव सेनी, देवांश तोशावड़ा, कपिल सोलंकी, विशाल चावड़ा, उज्जवल माहेश्वरी, दक्ष जांगीर, कुशाल शर्मा, निर्मल सेनी, रामस्वरूप सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। आबकारी पुलिस ब्यावर विगत 10 माह से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी पर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज है। आबकारी थाना प्रभारी हरस्वरूप सिंह ने बताया कि रामपुरा दूधा निवासी सुरेश सिंह पुत्र हरि सिंह रावत आबकारी एक्ट में वांछित आरोपी है, जो विगत 10 माह से फरार चल रहा था। आबकारी अधिकारी ने बताया कि रविवार को आरोपी के अपने घर पर होने की सूचना मिली। सूचना के बाद आबकारी विभाग ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान, जो कि संयुक्त अभियान चल रहा है, जिसमें शेरों के बाला तालाब में श्रीमान तहसीलदार ब्यावर, जवाजा पुलिस थाना अधिकारी व आबकारी थाने की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसमें तकरीबन तालाब के अंदर से प्लास्टिकों के ड्रमें भरी 800 लीटर वॉश को नष्ट किया तथा चार भट्टियां भी नष्ट की। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में चल रही कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का सोमवार को संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने
व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। साथ ही जहां छुटपुट कमी मिली उस पर आवश्यक निर्देश भी दिए। एकेएचए कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल तथा चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप जैन ने उन्हें निरीक्षण करवाया तथा व्यवस्थाओं से अवगत कराया। निरीक्षण के बाद प्रेस से वार्ता करते हुए जेडी डॉक्टर सिंह ने बताया कि एकेएचए में वैक्सीनेशन को लेकर की गई व्यवस्था संतोषप्रद है। काउंसलिंग रूम, वेंटिंग रूम, टीकाकरण कक्ष के बाद पृथक से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वार्ड में ऑक्सीजन, ईसीजी सहित अन्य आवश्यक उपकरण लगे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था में टीकाकरण हो चुके कर्मचारियों को तुरंत चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवाई जा सके। इसके साथ ही एक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि कक्ष में जैलन अजमेर की आवश्यक नंबरों की सूची भी चस्पा की जाए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वहां से संपर्क किया जा सके। उन्होंने बताया कि शनिवार को 100 लोगों की वैक्सीनेशन हुई है, जबकि सोमवार को लिए भी इतना ही लक्ष्य दिया गया है। स्वास्थ्य मैनेजर सिद्धांत जोशी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। शहर में सोमवार को स्कूलें खुलते ही भारत विकास परिषद की ओर से सेवाकार्य अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर सोमवार को परिषद की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाता में स्कूल प्रशासन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों हेतु 150 मास्क तथा सैनिटाइजर भेंट किए गए। इस दौरान शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा से कक्षा कक्षों में जाकर बिना मास्क वाले बच्चों को मास्क भेंट करते हुए उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बताए। इस दौरान संस्था प्रधान श्रीमती रंजना आदरा, परिषद से प्रशांत बाबूवाल, अशोक मेवाड़ा, कन्हैयालाल शर्मा, संतोष सिंह चौहान, सुरेश चंद फुलवारी, सोहनलाल सिंगारिया, संजय भाटी, मोनिका फानन, महेश कुयल, नरेंद्र फुलवाई तथा दिनेश शर्मा आदि उपस्थित थे। शहर के नगरीय परिषद मार्ग स्थित आयुक्त आवास के सामने सोमवार को एक ट्रैक्टर की ट्रॉली नाली में फंस गई। नाली में फंसी ट्रैक्टर की ट्रॉली को बाद में जेसीबी मशीन की सहायता से निकाला गया। मालूम हो कि नगरीय परिषद मार्ग स्थित आयुक्त आवास के पास स्थित नाली पर रखा फेरोब्लॉक लंबे समय से टूटा हुआ पड़ा है। सोमवार को उक्त टूटे फेरोब्लॉक के कारण वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली का पहिया फंस गया। ट्रॉली के फंसे पहिए को जेसीबी मशीन की सहायता से बाहर निकाला गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ 308 दिन बाद खुले विद्यालय, विद्यार्थियों तथा घंटी की आवाज ने घोली मिठास। शिक्षक संघ ने विद्यार्थियों के लिए बिछाया फूलों का कारपेट, पुष्प भेंट करते हुए विद्यार्थियों का किया स्वागत। गमगीन माहौल में बस हादसे के मृतकों का हुआ अंतिम संस्कार, जैन समाज सहित पूरे शहर में रही शोक की लहर। और गर्लफ्रेंड को महंगा मोबाइल गिफ्ट देने के लिए की बुजुर्ग की हत्या, सिटी थाना पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा।